प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 की आखिरी रैली को संबोधित किया। यह फतेह रैली पंजाब के होशियारपुर में हुई। होशियारपुर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की पत्नी अनीता सोम प्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले मोदी पंजाब में पटियाला, जालंधर और गुरदासपुर में रैली कर चुके हैं। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आखिरी चरण में मतदान में सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, जहां पर एनडीए ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे। मुझे आपसे जवाब चाहिए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ में विजय दिलाएंगे, गांव गांव कमल खिलाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, ऐसा नहीं पूरी ताकत से बोलो तो बताऊंगा, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करेंगे। देखिए, यहां से जाने के बाद अपने मोहल्ले में, अपने गांव में जो भी देवस्थान हो, गुरुद्वारा हो, वहां पर जाना, वहां माथा टेकना और हमें गुरुओं से आशीर्वाद चाहिए, हमें हमारे परमात्मा से आशीर्वाद चाहिए, लेकिन मोदी के लिए नहीं मांगना है आशीर्वाद, मोदी के परिवार के लिए नहीं मांगना है आशीर्वाद, मांगना है विकसित पंजाब बनाने के लिए, आशीर्वाद मांगना है विकसित भारत बनाने के लिए। और इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरा एक काम जरूर कीजिए, हर गुरुद्वारे पर जाकर के, हर देवस्थान पर जाकर के मेरी तरफ से मत्था जरूर टेकना। मेरे साथ बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, धन गुरुदेव, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, खालसा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।